हाय। और आज का वीडियो जो है बड़ा ही बेसिक टॉपिक पे बना रहा हूं मैं, और वो है फूड। बिना खाए कोई भी काम नहीं होता। तो बच्चों, ये टॉपिक जो है जब आप क्लास फर्स्ट में आते हैं तब से आपके सिलेबस में इंक्लूड हो जाता है, और ये आप पढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं तो उतना ज़्यादा आप डीपली इसको पढ़ते हैं। सिंस बहुत बेसिक और छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, तो बेसिक इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स इसको के बारे में आपको मैं बताऊँगा, मतलब बेसिक इंट्रोडक्टरी फैक्ट मैं दूंगा। तो यहाँ पे जो फूड है इसको मोटा मोटी तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है एनर्जी गिविंग फूड। ये फूड खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी फिजिकल काम करते हैं, मेंटल काम करते हैं, उसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत हो तभी हम कर सकते हैं। सपोज आपको कोई सामान उठाना हो या आपको होमवर्क रेगुलर करना हो, आपको एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के आप नहीं कर सकते काम। शाम को खेलने जाना हो, क्रिकेट खेलना हो, 100 रन बनाने हो, तो एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए आप प्रॉपर एनर्जी गिविंग फूड जो है आपको लेना पड़ेगा। तो एनर्जी गिविंग फूड जो होता है उसके अंदर क्या चीज होती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल में देखें तो पोटैटो होगा, शुगर होगा, घी होगा, इसके अलावा आपकी राइस हो जाएगा, चपाती हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो वो है, हम ग्रो कर रहे हैं तो हमको ऐसे फूड की जरूरत है जो हमारे मसल्स को डेवलप करे। तो सेकंड कैटेगरी है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो है हमारे बॉडी को बिल्ड करने, हमारे जो बॉडी के अंदर टिश्यूज हैं उनको डेवलप करने के काम में आता है। अगर आपने जो मारा आपकी बॉडी के स्किन को, तो यहाँ पे कुछ टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, तो ये टिश्यूज अपने आप बनते हैं एज के साथ। जितना आपकी एज बढ़ती जाती है, और जैसे मेरी एज में और मेरी एज के आने के बाद में वो टिश्यू प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस होना की जो कैपेसिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कम उम्र में वो कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक रोल इसके अंदर प्ले करता है वो करता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो प्रोटीन्स से मिलता है। और वो फूड के एग्जांपल है जैसे नट्स हैं, जैसे एग्स हो गए, मीट है या पल्सेस। इसके बाद में है थर्ड कैटेगरी, जो मैं लास्ट कैटेगरी ले रहा हूँ यहाँ पे, वो है प्रोटेक्टिव फूड। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और हम इजीली बीमार नहीं पड़े, सिक नहीं हो, इसके लिए प्रोटेक्टिव फूड लेना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स के लिए एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव फूड बहुत जरूरी है। इसके एग्जांपल कौन से होंगे, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन मिलते हैं प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो ये फूड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और मैं चाहूँगा कि आप अपने फूड का, जो आप फूड इंटेक करते हैं, जो आप फूड खाते हैं, उसका प्रॉपर बैलेंस फूड खाएं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, आप एनर्जेटिक हो, और जितना आप अच्छा खाना खाएंगे, जंक फूड कम खाएंगे,
उतना ज़्यादा आपकी बॉडी टोन्ड होगी और आप उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे और कम बीमार पड़ोगे। इसी नोट के साथ मैं छोड़े जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।